असलकम मैं हूं मोहम्मद सफील्ला और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इंग्लिश विद एम एस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस एंड इट्स टाइप्स आज हम हाइपोथेसिस और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि हेपोथीसिस है क्या होता है तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ हाइपोथेसिस इट इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेशन इन विच वी फर्दर इन्वेस्टिगेट दैट इट इज़ अ ट्रू और फॉल्स ये हमारे पास क्या होती है एक टेंटिटिव एक्सप्लेशन होती है ठीक है जिसको हम आगे फर्दर जा कर इन्वेस्टिगेट करते हैं ये टेंटिटिव एक्सप्लेशन क्या है ट्रू है या फॉल्स है ये होता है हमारे पास हैपोथीसिस कि ये टेस्टबल भी ये टेस्टबल भी होना चाहिए और ये दूसरा किस पर बेस करता है बेस ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग ये हमारे पास क्या होगी हैपोथीसिस की डेफिनेशन हो गई एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसकी देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लाइब्रेरी एक स्टेटमेंट दी गई है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है तो ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दी गई है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस और लाइब्रेरी का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है अगर इनको दोनों को देखा जाए ना इनको एनालाइज किया जाए ये टेस्टेबल भी है लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड भी है तो ये हमारे पास क्या होगी हाइपोथेसिस की एग्जाम्पल होगी तो आगे चलते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स को आज हम डिस्कस करते हैं ইনকি টাইপছিচি ডিছক্ৰিপ ডিছক্ৰিপ্টিভ হেপথিচিছ ৰিলেশ্যনল হেপোথিচিছ নল হেপথিচিছ আলটাৰনেটি হেপথিচিছ এণ্ড ৰচ হেপথিচিছ ये जो है हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं किसकी हाइपोथेसिस है की अब हम क्या करते हैं वन बाय वन हर टाइप को डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल के साथ तो पहले पहले हमारे पास कौन सी टाइप्स है वो है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस दैट डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स और करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल सच एज एग्जिस्टेंस फॉर्म और शेप और साइज वेरीबल मे बी एज अ इंस्टीट्यूशन मे बी आवेंट एंड मे बी आसन एंड मे बी अर्गनाइजेशन डिस्क्रिप्टिव है क्या करती है डिस्क्राइब करती है एंड्रीब्यूट या करटरिस्टिक्स किसके वेरिएबल्स के वेरिएबल क्या हो सकते हैं वेरिएबल इवेंट भी हो सकता है पर्सन भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है ठीक है करेक्टिटी क्या हो सकती है फॉर्म शेप और साइज़ इन चीज़ को मतलब इन ये ये करेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल्स के इनको डिस्कस करना ठीक है इनको डिस्कस करना ठीक है इसको डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथिस अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथिस की एग्जांपल मेजोरिटी ऑफ द मेजोरिटी ऑफ़ द स्टूडेंट एंड आर एम क्लास आर हाईली मोटिवेटेड अब इसमें क्या है हाईली मोटिवेटेड का जिक्र किया है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो आर एम एम क्लास हाईली मोटिवेटेड ये डिस्क्राइब किया गया ठीक है किसको इसकी करेक्ट्रिस्टिक्स को एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब किया गया ठीक है ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास डिस्क्रिप्टिव हैपोथीसिस की नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो है रिलेशनल हैपोथीसिस द स्टेटमेंट दैन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिबल आर मोर देन टू वेरिबल इज़ का रिलेशनल हाइपोथीसिस अब रिलेशनल हाइपोथीसिस क्या होती है ये क्या कहती है डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको डिस्क्राइब करती है वो क्या कहलाते हैं रिलेशनल हाइपोथीसिस इसकी एग्जांपल है जॉब सर्टिफिकेशन एंड मोटिवेशन कहते हैं जॉब सर्टिफिकेशन और मोटिवेशन के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप है रिलेशनशिप है ठीक है ये रिलेट कर रहे हैं ये किसकी एग्जांपल होगी रिलेशनल हाइपोथिस की इसी तरह रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड अटेंडेंस स्टूडेंट अटेंडेंस और रिजल्ट का भी क्या है रिलेशनशिप है तो क्या ये क्या लिहाजा ये क्या होगी रिलेशनल हाइपोथीसिस की एग्जाम्पल हो गई इसी तरह एक और हमारे पास टाइप्स है लाल हाइपोथीसिस स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइबिंग दैट देर इज नो रिलेशनशिप देर इज न देर इज नथिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इट इज कॉल्ड नल हैपोथिस ये क्या डिस्क्राइब करता है कि वेरिएबल के दरमियान ठीक है कोई एक वे, दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान कोई मतलब रिलेशनशिप नहीं है इस चीज़ को मतलब डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है नल हैपोथिस अब हम इसके एग्जाम्पल को पढ़ते हैं नल हैपोथिस की देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एज एंड विद दियर मार्क्स मतलब स्टूडेंट एज और जो मार्क्स होते हैं स्टूडेंट के उनके साथ कोई मतलब लिंक वगैरह नहीं है तो ये नहीं होता कि जो बड़ी एज वाले बड़े ज़्यादा नंबर लेंगे और छोटी एज वाले कम नंबर लेंगे ऐसा नहीं होता मतलब इनका कोई रिलेशनशिप है बड़ी एज वाले कम भी ले सकते हैं और छोटी एज वाले ज़्यादा नंबर भी ले सकते हैं इनका मतलब कोई आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है इसी तरह दिए नो रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाई स्किन कलर योर सैलरी इसी तरह स्किन कलर और और अप्लाई की जो सैलरी होती है उसका भी कोई रिलेशनशिप नहीं होता आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इट इज स्टेट दैट दर इज परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई वेरिएबल इट इज़ अल्टरनेटिव टू नल नपोथीस ये इसमें क्या होता है इसमें परफेक्ट रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल के दो से ज़्यादा वेरिएबल का ठीक है ये किसके उलट है ये अल्टरनेटिव सॉरी अल्टरनेटिव है नल हाइपोथीसिस के ठीक है अब इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं देर इज रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट अटेंडेंस एंड विद रिजल्ट स्टूडेंट अटेंडेंस का उसके रिजल्ट पर मतलब असर होता है इसका रिलेशनशिप है ठीक है ये किस को शू करें रिलेशनशिप को स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट तो ये क्या हमारे पास हो गया अल्टरनेटिव हैपोथिसिस हो गया अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो रिसर्च हैपोथिसिस दिस इज दपोथिसिस फॉर्मुलेटेड बाय रिसर्चर इट टेल्स नॉट ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल बट टेल टेल्स द नेचर ऑफ वेरिएबल ये सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि सिर्फ ये हमें रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताता एक्स एंड वाई वेरिएबल का बल्कि ये क्या उसकी वेरिएबल्स की नेचर को भी बताता है उसकी वेरिएबल की नेचर को भी ऑन करता है एज़ वेल एज़ उसके रिलेशनशिप को भी क्या करता है बियन करता है ये हमारे पास क्या होगी रिसर्च हाइपोथेसिस ये आज का हमारा शॉर्ट सा टॉपिक था आज हमने मतलब जो पढ़ा है वो हाइपोथेसिस उसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल पढ़ी है और इसकी डिफरेंट टाइप्स विद एग्जांपल को आज हमने डिस्कस किया उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गई होगी अगर वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें शुक्रिया